आप सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम जी। देखिए, यह जब विभीषण से श्री राम की मुलाकात हुई थी तो विभीषण ने श्री राम से बताया था समुद्र से रास्ता मांगने का उपाय। किस भरोसे पर बोले विभीषण रास्ता समुद्र देंगे, किस भरोसे पर बोले विभीषण रास्ता समुद्र देंगे, उपाय दियो बदला श्री राम जी रास्ता मांग लेंगे, उपाय दियो बदला श्री राम रास्ता मांग लेंगे। समुंदर कुल में बड़े हैं एक तरफ से आपके कुल गुरु भी, समुंदर कुल में बड़े हैं एक तरफ से आपके कुल गुरु भी, खुदवाया था राजा सगर ने है तुम्हारे वंशज भी, खुदवाया था राजा सगर ने है तुम्हारे वंशज भी। समुंदर पर बड़े उपकार है श्री राम मैं तुमसे बतलाता हूँ, समुंदर पर बड़े उपकार है श्री राम तुम्हें बतलाता हूँ, उनकी कृपा से ही सिंधु पृथ्वी पर है बड़े, उनकी कृपा से ही सिंधु पृथ्वी पर है बड़े। समुंदर सहायता जरूर करेगा मुझे पूरा विश्वास है, समुंदर सहायता जरूर करेगा मुझे पूरा विश्वास है, श्रद्धा से तुम मांगो रास्ता पूरी मुझको आस है, श्रद्धा से तुम मांगो रास्ता मुझको पूरी आस है। खुशी हुई है मुझे को विभीषण आज मुझे विश्वास हुआ, खुशी हुई है मुझको विभीषण आज मुझे विश्वास हुआ, किस भरोसे पर बोले विभीषण रास्ता समुंदर दे देगा, खुशी हुई है सुनकर मुझको पूर्वजों का ध्यान हुआ, खुशी हुई है सुनकर मुझको पूर्वजों का ध्यान हुआ, यहीं बैठ कर समुंदर की मैं करूँगा आराधना, यहीं बैठ कर समुंदर की करूँगा आराधना। जब तक प्रगट नहीं होंगे समुंदर अनजल होगा त्यागना, जब तक प्रकट नहीं हो समुंदर अनजल हो त्यागना, ऐसा बोले रहे श्री राम साथ में बैठी सेना, ऐसा श्री राम ने कहा है महासागर सुन लो विनती आज, श्री राम ने कहा सागर से सुन लो विनती आज, महाराजा सागर का वंश दशरथ पुत्र आया लक्ष्मण भाई के साथ, महासागर का वंश दशरथ पुत्र आया लक्ष्मण भाई के साथ, मेरे वंशज सगर राज आपकी हुई उत्पत्ति, मेरे वंशज सगर राज आपकी हुई उत्पत्ति, आज आई है रघुकुल पर बहुत बड़ी विपत्ति, आज आई है रघुकुल पर बहुत बड़ी विपत्ति।
भरोसे पर बोल।